इसराइल और हमास के बीच जंग लगातार 15वें दिन भी जारी है। इसराइल के हमलों से हमास तहल उठा है। इजरायली बमबारी से गाजा भी दहल उठा है। लेकिन जंग के बीच एक राहत की खबर सामने आई है। भारत ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए राहत भरी सामग्री भेजी है। भारत ने करीब 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजी। भारतीय वायुसेना का C-17 परिवहन विमान राहत सामग्री लेकर मिस्र के लिए रवाना हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा, दवाएं, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, जल शुद्धिकरण के लिए टैबलेट जैसी वस्तुएं इसमें शामिल हैं। बता दें कि गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों के लिए मिस्र ने अपनी सीमा खोल दी थी। बॉर्डर खोलते ही फिलिस्तीनियों को दवा, भोजन जैसी आवश्यक सामग्री मिलना शुरू हो गई है। इससे युद्ध पीड़ितों को बहुत बड़ी राहत मिल रही है। इसराइल और हमास युद्ध में आम फिलिस्तीनी लोग भी मारे जा रहे हैं। ऐसे में इस मदद और राहत सेवा की आम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसराइल की नाकाबंदी के बाद से ही गाजा में खाना, पानी और दवा के लिए लोग बुरी तरह से परेशान थे। यकीनन ये मदद उनकी टूटती आस को जीने की एक नई उम्मीद जरूर देगी।